कि पैंथर्स पार्टी एक ऐसी आवाज थी जो लोगों के लिए खड़ी होती थी, और आप बुलंद आवाज में जब बात करते थे तो सरकार जो है वो हिलती थी और सरकार को लगता था कि जो एक अन्याय हो रहा है लोगों के साथ, उसके ऊपर एक रिव्यू भी किया जाता था। लोगों का ये मानना है कि अगर पैंथर्स पार्टी को रिवाइव किया जाए, जब लोगों से मैंने पूछा क्या हल हो सकता है इसका, लोग यही कहते हैं कि पैंथर्स पार्टी को खड़ा कीजिए, इसी को जिंदा कीजिए, यही पार्टी लड़ेगी, वोट जितने भी मिलते हैं उसके ऊपर। अगर आपको वोट चाहिए तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको गरीब और मजदूर किसानों की लड़ाई लड़नी है, युवाओं की लड़ाई लड़नी है, तो इस प्लेटफॉर्म को मजबूत कीजिए। इस प्लेटफॉर्म से आप अपनी मर्जी से बात कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म पर बोलने से कोई प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं लगा सकता है, कोई डिक्टेशन लेने की आपको जरूरत नहीं होगी कि किस मुद्दे के ऊपर आपको बात करनी है। गरीब की बात करने के लिए, मजदूर की बात करने के लिए, किसान की बात करने के लिए किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। हमारे तमाम साथियों ने इसके ऊपर चर्चा की है और यही मानना है कि हमें पैंथर्स पार्टी के प्लेटफॉर्म को मजबूत करने की ही जरूरत है। इस पार्टी के लिए हमारे बुजुर्गों ने भी बहुत बलिदान दिया, एक साजिश के तहत इस पार्टी को खत्म करने का प्रयास किया गया। मेरे पिताजी ने बहुत बहुत लोक सेवा की और बदले में कुछ हासिल नहीं किया, आज भी लोग चर्चा करते हैं उनकी। भीम सिंह जी ने बहुत काम किया है और आज लोग भी यही मानते हैं कि अगर इसको खड़ा किया जाए, इस पार्टी को खड़ा किया जाए, तभी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला हो सकता है, तभी हम इन गरीब लोगों की आवाज बन सकते हैं और इनके अधिकार के लिए, इनके हक के लिए। और जम्मू में खास तौर पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी जिसको मान्यता मिली थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, उसको रिवाइव करना जो है लोगों का ये मानना है कि बहुत जरूरी है। अपने साथियों के साथ सलाह मशवरा करने के बाद, लोगों से सलाह मशवरा करने के बाद मैं भी इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हमें पैंथर्स पार्टी को फिर से खड़ा करना होगा। मुझे आम आदमी पार्टी ने चेयरमैन बनाया था जम्मू कश्मीर का, एक नेशनल पार्टी ने पहली बार जम्मू से किसी को चेयरमैन बनाया था, और अगर मुझे किसी भी किस्म का लोभ होता तो मैं एक नेशनल पार्टी को ही प्रेफर करता। मुझे मालूम है कि मुझे बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी पैंथर्स पार्टी में, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर लोगों के लिए खड़ा होना है तो कुछ न कुछ कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, और लोगों का जो एक मुझे सहयोग मिल रहा है, जो उनका जज्बात है, उसकी तर्जुमानी करने के लिए मैं भी ये समझता हूं कि एक बार फिर से हमें पैंथर्स पार्टी को खड़ा करना होगा। ये लोगों के हित के लिए होगा, ये आम नागरिक के हित के लिए होगा। हमें पार्टी का जितना मर्जी विस्तार हो, वोट कम मिले या ज्यादा मिले, लेकिन अपना जीवन मैंने अब लोगों के लिए समर्पित कर दिया है, और वही पार्टी जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं, हमारे साथियों ने कुर्बानियां दी हैं, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए थे उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, इसी पार्टी को आगे ले जाएंगे और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा होके लोगों की आवाज बनेंगे, लोगों के जज्बात की तर्जुमानी करेंगे। यही फैसला किया है मैंने, और मैं लोगों से भी यही कहना चाहता हूं कि आप सब इकट्ठा हो जाइए, आप आने वाले वक्त में हमें लड़ाई लड़नी है जुल्म के खिलाफ, जाति के खिलाफ, और जो भी अत्याचार हमारे लोगों के साथ हो रहा है उसके खिलाफ लड़ने के लिए यही एक प्लेटफॉर्म है जिसको हमें मजबूती देनी होगी, और आने वाले वक्त में इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा होकर हमें इंसाफ के लिए और हक के लिए लड़ाई लड़नी होगी। यही मेरा हमारे तमाम साथियों को आह्वान है, और यही मेरी हमारे तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों से विनती है। बहुत बहुत शुक्रिया।